स्टेशन पे, तो आपको एक बार यहाँ पर दिखाए हैं, तो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए। तो अभी हम चल के इसके अंदर भी दिखाएंगे कि यहाँ का जो व्यवस्था है वो कैसा है और कैसा लग रहा है। तो अभी अंदर इसके चलते हैं। और हम इस स्टेशन पर फर्स्ट बार आए हैं, तो बहुत जब से पैदा हुए तब से फर्स्ट बार आए हैं, तो अभी चलेंगे इसके अंदर, दिखाएंगे कि यहाँ पर कैसा लग रहा है। तो चलिए अभी हम चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं कि हम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन आ पहुँचे हैं, तो अभी हम चलेंगे इसके अंदर। और ये है इसके पीछे का साइड, तो हम अभी चल के अंदर दिखाएंगे आपको। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मुगल सराय स्टेशन पर देश के हर कोने कोने से ट्रेन आती जाती रहती हैं, इसलिए इसे भारतीय रेलवे स्टेशन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। पंडित दीनदयाल स्टेशन से हर दिन करीब 250 ट्रेनें गुजरती रहती हैं। अगर इसकी धड़कन रुकी तो भारतीय रेल का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। ये पंडित दीनदयाल स्टेशन एशिया का सबसे बड़ा यार्ड होने की वजह से यहाँ सबसे अधिक ट्रेनें रुकती हैं। बताया जाता है कि इस रेलवे स्टेशन पर एक दिन भाजपा प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पार्थिव शरीर सफेद कपड़ों में लिपटा मिला था। आपको बता दो कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मस्थली भी इसी जगह है। बनारस से 15 किलोमीटर बसे इस मुगल सराय को चंदौली का मिनी यानी छोटा महानगर भी कहते हैं। मुगल सराय की विश्व में अपनी एक अलग पहचान है। आपको बता दूं कि यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ा रेलवे यार्ड और एशिया की सबसे विशालतम कोयला मंडी भी है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो मुगल काल में यहाँ मुगलों की दो सराय हुआ करती थीं, जिसमें मुगलों की सेना और व्यापारी रुका करते थे। इस शहर को बसाने में शेर शाह सूरी का सबसे बड़ा योगदान है। पहला ग्रैंड ट्रैक रोड भी यहीं से शुरू हुई थी। बताते हैं कि 1862 में हावड़ा से दिल्ली जाने के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई, और उसके बाद 1880 में मुगल सराय रेलवे स्टेशन की इमारत का निर्माण किया गया। और फिर उसके बाद 1905 में इस भवन में और सुधार किया गया। मुगल सराय 1978 में पूर्व मध्य रेलवे का मंडलीय मुख्यालय बनाया गया था। मुगल सराय एशिया का सबसे बड़ा यार्ड है, जिसकी लंबाई 12.6 किलोमीटर है और इसमें तकरीबन 250 किलोमीटर लंबी लाइन बिछी है। इस यार्ड को नियंत्रित करने के लिए 10 ब्लॉक केबिन और 11 यार्ड केबिन है। मुगल सराय सबसे बड़ा बिजली का लोको शेड भी है, जिसमें एक समय में करीब 137 रेल इंजन रखा जा सकता है, जबकि डीजल लोको शेड के करीब 72 रेल इंजन की देखभाल किया जा सकता है। मुगल सराय में एशिया की सबसे बड़ी चंदासी कोयला मंडी है, जो काले हीरे की खान कही जाती है। 1975 में कोयला मंडी स्थापित की गई थी। एशिया का सबसे बड़ा मंडी कही जाने मंडी में हर दिन बंगाल, झारखंड, बिहार, असम और मध्य प्रदेश से कोयला का निर्यात होता रहता है। अमृतसर हावड़ा पंजाब मेल फ्रॉम अमृतसर टू हावड़ा वाया बक्सर पटना हैज अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म नंबर 2। अमृतसर से चलकर कृपया ध्यान दीजिए, अमृतसर से चलकर बक्सर पटना के रास्ते हावड़ा को जाने वाली 1300/06 अमृतसर हावड़ा पंजाब मेल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है।
रास्ते बक्सर को जाने वाली 6-3-2-4-0 पंडित दीन दयाल उपाध्याय बक्सर पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ चुकी है। हैव योर अटेंशन प्लीज, 6-3-2-4-0 पंडित दीन दयाल उपाध्याय बक्सर पैसेंजर फ्रॉम पंडित दीन दयाल उपाध्याय टू बक्सर वाया गुलदार नगर हैज अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म नंबर 7। कोई पानी नहीं है, जल्द जल्द मेरे का व्यवस्था करें।